तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं कि अगर आप बीएनएमयू मंडल से पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, पूरी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर YouTube पे सर्च कर लीजिएगा जीशान मॉनिटर और आपके काम के मैंने पहले से ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के आपको दे दिया हो, आप देख लीजिएगा बहुत सारे आपके काम के वीडियो मैंने पहले से बना दिया। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले करना कुछ सिंपली से आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जो बीएनएमयू मंडल का है, उपेन नारायण मंडल लालू नगर मधेपुरा का जो वेबसाइट है जहाँ से आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पे अगर लिंक लिंक को फॉलो करते हुए जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन सेशन 19 से 20, सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना होगा। दोस्तों फिर से गुजारिश करेंगे वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या फिलअप करना है मैं सारा चीज़ आपको विस्तार से बता देता हूँ। यहाँ पे सेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पंजीकरण में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपका आपके द्वारा किसी भी कोर्स में बीएनएमयू में भी रजिस्ट्रेशन है तो यस या नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, जो भी कैंडिडेट का नाम इंग्लिश में होगा उसके बाद कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखेंगे। कैंडिडेट का हिंदी में नाम किस तरह लिखते हैं उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा, तो उस वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हिंदी में नाम लिखने के लिए सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है आपको गूगल इनपुट टूल में जाना है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जिस तरह आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं उसी तरह यहाँ पे हिंदी में लिख पाएंगे। इस वेबसाइट पे आना, यहाँ से आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है हिंदी। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको लिखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं अपना नाम लिखता हूँ जीशान। तो जैसे मैंने जीशान लिखा तो यहाँ बहुत सारे हिंदी में रिजल्ट आ गए। अब इसको कॉपी करके आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देना है, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद फिर से यहाँ मदर का नाम हिंदी इंग्लिश में हिंदी में, उसके बाद यहाँ पे फादर्स का नाम इंग्लिश में हिंदी में, उसके बाद यहाँ गार्जियन सेलेक्ट करना मदर या मदर फादर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मतलब लिंग अपना सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल जो भी वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे धर्म सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको हिंदू मुस्लिम जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी मतलब आपकी जाति कौन सी है, तो यहाँ देख लीजिए बहुत सारी कैटेगरी है। अगर आप मुस्लिम से शेख सैयद वगैरह ब्राह्मण वगैरह आते हैं तो आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के तहत 10% का आरक्षण भी मिल जाएगा। EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाते हैं वो वीडियो में पहले से बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दोनों जगह पे दे देंगे। चलिए EWS सेलेक्ट कर लेंगे। EWS में 10% आरक्षण मिलेगा, जिसके अंदर मुस्लिम में शेख सैयद वगैरह आते हैं और ब्राह्मण राजपूत ये सब इसमें आते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सब कैटेगरी इसको आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पूछ रहा है आपका जाति का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपका जाति का नाम लिख देंगे। जैसे आप EWS सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जाति का नाम देना है, ठीक है, जो भी आपको शेख हो ब्राह्मण जो भी वो देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण ये आपको छोड़ देना है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद इसको भी आपको सब कैटेगरी को खाली छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देना है, उसके बाद इंडियन में नागरिकता आपको देना है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आप किस राज्य से, अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, जैसे बिहार से बिहार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें भी खाली छोड़ देना, इसको भी खाली छोड़ देना। और क्या उसके बाद पूछ रहा है कि आप छात्रावास हॉस्टल में रहते हैं, यस या नो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा माध्यम किस माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी जो भी सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप आपका जो भी ब्लड ग्रुप वो दे देना है, ब्लड ग्रुप है तो दे सकते, नहीं तो ये जरूरी नहीं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको देना है, उसके बाद कैंडिडेट के फादर का मोबाइल नंबर इसमें आपको देना है। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे आधार कार्ड मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे आप ग्रामीण से थे या रूरल से, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ वैवाहिक स्थिति की आपकी शादी होगी या नहीं हो, तो अनमैरिड है, अनमैरिड शादी नहीं हुई, मैरिड शादी होगी तो अनमैरिड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है इनकम ग्रुप यानी कि आपका इनकम सालाना इनकम क्या है, बिलो अगर 1 लाख से कम है तो बिलो ₹1 लाख वाला सेलेक्ट करेंगे, जो भी अपने हिसाब से वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब EWS अगर आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे पूछ कह रहा है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण कोटा से संबंधित आते हैं। तो देखिए यहाँ पे EWS का भी फुल फॉर्म जो होता है वो भी यहाँ पे पूरी तरह विस्तार से दे दिया गया है। तो अगर आप आरक्षण कोटा में आते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस देंगी, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस देंगे नहीं तो आप यहाँ से गूगल या योहो से आप ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या आप कभी अपने स्कूल कॉलेज या वर्तमान स्कूल में अनुचित साधन में दंडनीय हुए हैं, तो इसको आप इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको 12 क्लास का जो रोल नंबर होगा, जो भी एडमिट कार्ड पर रोल नंबर वो देना होगा, और 10 का जो मार्कशीट का सीरियल नंबर होगा वो आपको इस बॉक्स में देना होगा। उसके बाद 10 का जो रोल नंबर होगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड 10 के एडमिट कार्ड पर वो देना होगा। उसके बाद पूछ रहा है 10 माह जो मैट्रिक जो आप किस साल पास किए, वो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली से सबमिट बटन पर क्लिक करना। चलिए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप आरक्षण कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आप BC हैं, EBC हैं या SC ST हैं तो सिलेक्ट कर ले। अगर आप EWS यानी कि आरक्षण कोटा से करना चाहते हैं EWS से, तो आप यहाँ पे जनरल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको आरक्षण कोटा में ये वाले में यस मार्का लगा देना है। उसके बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरह का आ जाएगा सिंधु पे, जिसमें बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड ये है। तो इसको आप नोट कर लेंगे यूजर नेम पासवर्ड को, और आपको SMS के द्वारा आपके मोबाइल पे भी मिल गया होगा। उसके बाद क्लिक हेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 2 के लिए। उसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। यहाँ पे आपको बैंक होल्डर यानी कि अपना नाम देना है, खुद का नाम देना है। यहाँ पे नाम देंगे, हाँ। उसके बाद जिसका अकाउंट दे रहे उसका नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे जिसका अकाउंट दे रहे उसके साथ आपका क्या संबंध है, आपके फादर है मदर है। अगर खुद का आप अकाउंट दे रहे तो यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना होगा, ठीक है। तो SELF सेल्फ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देंगे। उसके बाद IFSC कोड इस बॉक्स में देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, कौन सा बैंक का आपका अकाउंट है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ब्रांच का शाखा का नाम होगा वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ एड्रेस आपको पूरा एड्रेस देना होगा। उसके बाद स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना होगा आपका ना स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वगैरह दोनों एड्रेस आप दे दीजिए। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको ऊपर वाला फिलअप करना, ऊपर वाला फिलअप करने के बाद टिक मार्कर लगा देंगे, तो इस तरह से फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सिंपली करना कुछ है, सिंपली सेव करना। आपको सेव करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए सेव करते हैं। वीडियो बता तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक। ये सारा चीज जैसे आप फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख बता रहा है रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ये अपडेट हो चुका सक्सेसफुली, हमारा ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर। उसके बाद जो भी आपका मार्कशीट होगा ग्रेजुएट का, BA BSc BCom का, वो मार्कशीट आपको अपलोड करना है। मार्कशीट का नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा, और यहाँ पे आपको अंगूठा का निशान देना होगा, अंगूठा का निशान। यहाँ पे लिखा गया अगर पुरुष है तो आप बाएं अंगूठे का निशान दें, अगर आप महिला है तो दाएं अंगूठे का निशान पेट पे लगा दें। उस पेट पे लगाने में उसको क्रॉप करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले से ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे इस तरह दिखा रहा है, तो अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद आपको कुछ करना नहीं, सिंपली से यहाँ पे आपको सेव बटन मिलेगा, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, इसको भी आप कुछ नहीं करना, सिंपली से इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, नीचे में नेक्स्ट बटन पर। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपका मैट्रिक कौन सा बोर्ड से था वो सिलेक्ट करना होगा, और मैट्रिक में कितना अधिकतम मार्क का परीक्षा था 500 का वो, और कितना मार्क आया वो देना है। यहाँ पे उसके परसेंट यहाँ पे पूरा आ जाएगा मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इंटर में आपका साइंस था आर्ट जो भी था वो देंगे। उसके बाद इंटर किस बोर्ड से था वो देंगे, पासिंग ईयर इंटर का क्या था, और यहाँ कितने मार्क का था परीक्षा और कितना मार्क आया वो सारा चीज़ यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट का BA किया है, BSc जो भी किए वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर देंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। तो यहाँ पे अपना BA जो किए हैं ग्रेजुएट किस यूनिवर्सिटीज की, यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे अधिकतम मार्क यानी कि पासिंग मार्क कितना का था वो देंगे, और कितना आया वो देंगे यहाँ पे, ठीक है। पासिंग अधिकतम मार्क में, मैक्सिमम मार्क में पासिंग मार्क कितने का था वो देंगे, और कितना मार्क आया वो देंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्रतिशत यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे BA का जो रोल नंबर वो देना है, उसके बाद अपना रिजल्ट देना है, सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास जो भी क्लास वो देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है
नॉन सेमेस्टर ईयर, यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई पीजी में अप्लाई करना है। जैसे बीएमए में जो हिस्ट्री था तो इसमें भी हिस्ट्री से ही होगा, जो भी बीएम सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस तरह का आपको बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको देना होगा आपका पूरा मतलब कितना मार्क का था। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर जो 200 का था, सेकेंड भी 200 का था, थर्ड 400 का था, और कितना मार्क है वो आपको इसमें एमएम में देना है, मैक्सिमम मार्क कितना मार्क में पासिंग था, और एमओ में कितना मार्क आया वो देना है। ठीक है, इस तरह देख लीजिएगा, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का फुल मार्क और कितना आया, सेकंड सेमेस्टर का फुल मार्क कितना आया, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर कितना फुल मार्क कितना आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रैक्टिकल आपको देना, प्रैक्टिकल नहीं है तो छोड़ देते। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देखिए इसका सेकेंड में और फर्स्ट सेकेंड में प्रैक्टिकल नहीं था, थर्ड में था, तो थर्ड में जितना जो भी प्रैक्टिकल था वो यहाँ पे देंगे। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल 100 मार्क का था तो वो देंगे। इस तरह इतना करने के बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, ये सब खाली रखना है। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे जो सब बॉक्स खाली उसमें 0 ऑटोमेटिक बढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से एक सेव बटन यहाँ पे आपको मिलेगा, सेव कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट कर चुका है इसलिए यहाँ पे सेव नहीं दिखा रहा है। उसके बाद सिंपली से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिग्री, यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करना है जो एमबीएम में यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर आपका यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल में कुछ दिक्कत होगा, कुछ गलत भरेंगे तब यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे एमए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में हिस्ट्री आ जाएगा, हिस्ट्री सेलेक्ट किए। उसके जितने भी कॉलेज है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीजी के पढ़ाई दे रहे हैं, एमबी की पढ़ाई, वो आपको यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग देंगे, कौन सा कॉलेज को किस नंबर में रखना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, वो आप यहाँ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव कर देना है, मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है इसलिए अपडेट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, सेव बटन, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू मांगेंगे, पूरा डिटेल अपना चेक कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर फिर से यहाँ पे प्रीव्यू आकर, और यहाँ पे टिक मार्का लगाना है आपको, यहाँ पे टिक मार्का लगाना है, देख लीजिए। टिक मार्का लगाने के बाद आपको फिर से प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना होगा, उसके फिर से यहाँ पे प्रीव्यू बटन आपको आ जाएगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा, जैसा पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट का सिस्टम आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका, यहाँ पे 300 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, 300 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, और बता दूँ ये इसका डेट जो अंतिम डेट अभी तक 25 सितंबर तक, आप 25 सितंबर से यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मैंने ऑलरेडी पहले सब चीज़ फिलअप कर चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ डाउनलोड फॉर्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ई पेमेंट का ये सारा चीज़ आ जाएगा। इसको प्रिंट करके इसको लेके जाना आपको यूनिवर्सिटी, और जब भी इसका मेरिट लिस्ट आता है किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद लेके आपको ये और डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे आज के वीडियो में आपने सीख लिया कि एमएम किस तरह बीएनएमयू मंडल यूनिवर्सिटी के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं।